दिल्ली के शाहीन बाग में नागरिकता संशोधन कानून और नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजनशिप का विरोध कर रही महिलाओं को लेकर बीजेपी नेता ने विवादित बयान दिया है। बीजेपी नेताओं ने शाहीन बाग को मिनी पाकिस्तान और शेम बाग बताया है। आपको बता दें कि शाहीन बाग में करीब 38 दिनों से महिलाएं विरोध प्रदर्शन कर रही हैं। शाहीन बाग को बीजेपी नेता कपिल मिश्रा ने मिनी पाकिस्तान बताया तो पार्टी के वरिष्ठ नेताओं द्वारा इसे शेम बाग कहा जा रहा है। वहीं बीजेपी नेता इस प्रदर्शन के पीछे कांग्रेस और आम आदमी पार्टी को जिम्मेदार बता रहे हैं। पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने भी शाहीन बाग के प्रदर्शनकारियों का समर्थन करने के लिए कांग्रेस और सत्तारूढ़ आम आदमी पार्टी पर निशाना साधा है। दूसरी ओर आप छोड़कर भाजपा में शामिल होने वाले मिश्रा ने ट्वीट करते हुए कहा कि 8 फरवरी को होने वाला विधानसभा चुनाव में दिल्ली की सड़कों पर हिंदुस्तान और पाकिस्तान का मुकाबला होगा। उन्होंने आरोप लगाया पाकिस्तान की एंट्री शाहीन बाग में हो चुकी है और दिल्ली में छोटे छोटे पाकिस्तान बनाए जा रहे हैं। इसके साथ ही राज्यसभा सदस्य विजय गोयल और पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता संबित पात्रा ने भी अपने संवाददाता सम्मेलन में इसके बारे में बातचीत की। कपिल मिश्रा के ट्वीट पर तंज कसते हुए आम आदमी पार्टी के नेता व राज्यसभा सदस्य संजय सिंह ने ट्वीट किया और पूछा, क्या उन्होंने BCCI ज्वाइन कर लिया है? मुझे इसकी कोई जानकारी नहीं है। आपको बता दें कि जामिया और शाहीन बाग और अन्य स्थानों पर 15 दिसंबर से ही बड़ी संख्या में लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। दिल्ली के पालम इलाके में लोगों को संबोधित करते हुए बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा, संशोधित नागरिकता कानून के खिलाफ कुछ लोग विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन कांग्रेस के एक नेता भी इसकी निंदा नहीं की और यही उनका चरित्र है। आपको बता दें कि मौजूदा सरकार में अक्सर यह देखा गया है कि सरकार पर सवाल उठाने पर उन्हें देशद्रोही करार दे दिया जाता है। किसी किसी मामले में तो विरोध करने पर पाकिस्तान जाने की नसीहत दे दी जाती है। नागरिकता संशोधन कानून और NRC का विरोध करने पर मौजूदा सरकार के नेताओं द्वारा इस प्रकार की टिप्पणी करना उचित नहीं है। केंद्र की BJP सरकार को यह मालूम होना चाहिए कि लोकतंत्र में विरोध करना सभी नागरिकों का अधिकार है और अगर इन विरोध प्रदर्शन को सरकार बदनाम करने का प्रयास करती है तो यह उचित नहीं होगा। नमस्कार, नेशनल दस्तक अपनी आर्थिक जरूरतों के लिए हमेशा से YouTube एड्स पर निर्भर रहा है। हमारी काफी वीडियोस को YouTube की तरफ से डीमोनेटाइज कर दिया जाता है, जिसके चलते हमें एड्स नहीं मिल पाती। इसकी वजह से हमें आर्थिक समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। हमें आपके साथ की सबसे ज्यादा जरूरत अब है। पैट्रियन एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिस पर हम और आप बिना रुकावट जुड़ सकते हैं। इस प्लेटफॉर्म पर आप हमें सीधा फंड कर सकते हैं, जिसका मतलब हुआ कि हम आजादी से पत्रकारिता कर पाएंगे। आपसे सीधे फंडिंग पाने का यह भी मतलब हुआ कि हम नैतिक रूप से आपके अधीन हो जाएंगे और आपकी आवाज को और बुलंद कर पाएंगे। आप पैट्रियन पर मात्र $2 करीब 140 रुपए प्रतिमाह से हमारी सहायता कर सकते हैं। पैट्रियन क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड दोनों ही सपोर्ट करता है। हाँ, जरूरी है कि पैट्रियन के लिए आपके कार्ड पर इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन अलाउड होने चाहिए। अगर आपके कार्ड पर इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन चालू नहीं है तो आप अपने बैंक से संपर्क करके इसको आसानी से चालू करवा सकते हैं। पैट्रियन पेज का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। नेशनल दस्तक को देखने वालों से अपील है कि वह नेशनल दस्तक के सपोर्टर फॉर्म को भरें ताकि हम सीधे आपसे जुड़ सके। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।